Subscribe and click the bell icon for television updates. Okay, first of all, congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि हम लोग इस सबसे बड़े शो का पार्ट है और हमारी एक जर्नी ऑलरेडी रही है और अभी इस शो पे कैसी जर्नी होगी, वी आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड बहुत मजा। इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन यार, बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस होगा एंड मैं तो अब्रॉड भी पहली बार जा रहा हूं लाइफ में यार, तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा बट I have a lot of fun. जब इसके लिए कॉल आया था तो क्या सोच के हामी में भरे थे? Because हमने निशांत और प्रतीक को बहुत अलग देखा खतरा के लिए। जब कॉल आया था? हाँ। याद नहीं एग्जैक्टली बट ये था कि यार एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि भाई क्या होने वाला है, देखते हैं जो भी होगा मजा आएगा, क्योंकि ये सिचुएशंस लाइफ में ऐसी यूजुअल सिचुएशंस नहीं है एंड उसमें एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है कैसे नहीं करता उसमें, यू नो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन एंड वेरी डिफरेंट और देखते हैं क्या होता है। आई एम श्योर इट्स गोना बी यू नो मजा तो आएगा ही 100% यार, बिकॉज मैंने तो पहले मना कर दिया था क्योंकि ऑनेस्टली मतलब मेरे लिए इट्स नॉट दिस शो इज नॉट मेड फॉर मी टाइप्स, ऐसे मुझे लगा। फिर बाद में मैंने इससे बात की, मेरे बाकी दोस्तों से बात की एंड दे सेड कि यू शुड गो एंड एंजॉय और ये एक्सपीरियंस तुझे लेना चाहिए लाइफ में। तो फिर एंड में बहुत एंड में फिर मैंने जाके बोला कि चलो लेट मी जस्ट ट्राई दिस एंड डू इट, क्या होगा मैक्स टू मैक्स वापस ही आ जाएंगे ना और क्या, यू नो बट इट्स मजा मजेदार होगा यार। काफी दोस्त थे आपके, तेजस्वी नहीं थी, शमिता से कुछ टिप्स लिए हैं या फिर कैसे प्रिपरेशन करके जा रहे हो दोनों? यार प्रिपरेशन क्या करनी है, आई थिंक जो होगा वहाँ पे मोमेंट में होगा, स्पॉन्टेनियसली जो भी होगा, जब सामने पानी होगा तो अपना ही एक्सपीरियंस है, किसी और के एक्सपीरियंस से तो इंसान कर नहीं सकता कुछ भी। दिस इज अ रियलिटी शो, मतलब वो जो उधर तब होगा तब के तब होगा, बट सब लोगों ने एक ही चीज कही है, जस्ट गो एंड एंजॉय। या हाँ, मतलब डर वर होगा, तुम इंजॉय करोगे तो तुम इस शो का मजा ले पाओगे, अगर तुम इंजॉय नहीं करोगे तो इट वॉन्ट बी अ ग्रेट जर्नी फॉर यू। राइट, काफी स्टंट है देखे तो होंगे आपने, मतलब ये जब ऐसे स्टंट आने वाले कैसे फेस करोगे स्टंट को, जैसे अभी आपको फेस कर रहे हैं वैसे और क्या? काम एंड कंपोज्ड। सी हमारा एक है, हमारा डिटर्मिनेशन डेडिकेशन बहुत है, जो ऑन बिग बॉस भी बहुत डिफिकल्ट शो था उसमें हमने अपना 100% दिया था, इस शो पे भी हम 100% देंगे और बट इस बार 100% के साथ साथ बहुत मस्ती भी करेंगे। जैसे आप देख रहे हो हम दोनों इधर से हमारा पारा हिल चुका है, तो इज व्हाट वी आर गोना डू एंड जस्ट हैव फन। यार लाइफ में ये है कि नेवर टेक एवरीथिंग सो सीरियसली, गिव इट योर ऑल बट आल्सो एंजॉय द जर्नी। सो थैंक्स, मेरी सीख अच्छी पाली है तुमने वैसे। रोहित सर है फेमस, मतलब लोगों को हंसाना रुलाना कोई उनसे सीखे, क्या कुछ कहेंगे दो वर्ड्स? इतना बोलेंगे कि सर हम आ रहे हैं आपसे सीखने एंड गाइडेंस लेने आपसे एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी अ ग्रेट गाइड, यू आर अ ग्रेट गाइड एंड वील जस्ट डू आर बेस्ट एंड वी होप दैट वी आर एबल टू यू नो गिव आर बेस्ट। और रोहित सर मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे प्लीज़ कभी मत डांटिए, सिर्फ इन लोगों को डांटिए, राजीव को स्पेशली ज़्यादा डांटिए, इसको उसके बाद इसको डांटिए और मुझे सिर्फ सारे टिप्स दे दीजिए कि कैसे स्टंट करना होता है एंड जस्ट लाइक मेरे को फिनाले तक आप लेके जाइए सर, मतलब प्लीज़ इसको मत डांटिए सर, इसको सीधा मारिए, इसके सीधा झापड़ दीजिएगा एक मुँह पे। तुषार है, काफी काम कर चुके हैं तुषार के साथ, क्या कहोगे कंपटीशन या फ्रेंडशिप वगैरह? मैं और तुषार काफी अच्छे दोस्त हैं, हम काफी सालों से दोस्त हैं, अभी उसकी एंगेजमेंट हुई मैं भी उधर था एंड वी आर मोर लाइक फैमिली, बट हम अभी शो पे हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव है मैं भी कॉम्पिटिटिव हूँ और मज़ा आएगा क्योंकि एक दोस्त तो है ही, मेरा दूसरा दोस्त भी है और वो काफी सालों से मेरा दोस्त है, तो मज़ा आएगा क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करते थे, वी हैव गॉन टू दोस्त डेला वेला, वो सब आचरी वाचरी हमने करी है, मतलब ये सारे क्या जॉब बॉल वो सब चीज़ें हम लोगों ने करी है, तो मज़ा आएगा शो पे एंड ही इज़ ऑल्सो फन, वो भी ऑडियंसेस ये भी देखेगी तुषार का एक फन साइड है एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर टुगेदर ऑन अ शो। बिग बॉस में सिंगल थे, काफी लोगों से नाम जुड़ते इस बार किसी से जुड़ पाएगा भाई? रिश्ता थोड़ा पक्का करने जा रहा हूँ मैं, शो की ट्रॉफी जीतने जा रहा हूँ, इस बार नाम जुड़ेगा ट्रॉफी से मेरा, नहीं इसका ट्रॉफी से तो नाम जुड़ता ही है बट इस बार इसका जुड़ेगा नाम हाइना से, मगरमच्छ से, फिर सांप से, फिर और कौन है कीड़े मकोड़ों से, बड़े कॉकरोच से, सांप से जुड़ गया। हाँ, सो इन सारे इसके सब उधर कनेक्शन उसके उनके साथ बनने वाले है और क्या नाम है भाई, नाम एक चीज से जुड़ेगा ट्रॉफी से, बस खत्म बात, हमेशा जुड़ता है। जब एक दूसरे को स्टंट करते हुए देखोगे हम दोनों एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमेशा से करते आए हैं और मैं तो हमेशा नहीं, वो वाला डायलॉग अभी नहीं बोलूंगा मैं, सो वील कीप सपोर्टिंग, मुझे पता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो ये मुझे बूस्ट करेगा, अगर ये डेफिनेटली कुछ करेगा नहीं तो मैं इसको 100% बूस्ट करूंगा एंड वील बी ईच अदर सपोर्ट। वैसे इसको ये भी चीज आनी चाहिए कि मेरा और एक दोस्त है तुषार कालिया, तो वो भी है, तो ज्यादा ओवर एक्टिंग
भी ना करे मेरे साथ, क्योंकि सीधा इधर से पत्ता कटो के तो सारे दोस्त थे भाई आज तक हमेशा तेरा, तो मैं तो दोस्ती बनाने हर शो में, हर शो में सारे दोस्ती थे तेरे, मैं तो हमेशा फिर सेकेंडरी दोस्ती था तेरा, लेकिन कोई नहीं कोई नहीं, ये मेरा हाँ सेकेंडरी दोस्त करेक्ट। अच्छा प्रिपरेशन तो दोनों ये सबको 15-15-20 सालों से जानता होता है, यहाँ पे किसी भी शो में जाओ कोई ना कोई इसका 20 साल का दोस्त मिल जाता है। प्रतीक सहजपाल को पिछले 7-8 महीनों से अभी तो बॉन्डिंग दिख रही है, उन्होंने से आपने डांस सीखा, तो आप अभी उनको वहाँ पे कुछ सिखाने वाले हैं? हाँ सिखाने वाला हूँ इसको कि सुबह जल्दी उठ जा, उठाएंगे ना सुबह जल्दी कुछ। हाँ ओके बोरिंग, और क्या सिखाऊँ इसको यार? नहीं मुझे पता है ये क्या सिखाएगा मुझे, ये मुझे सिखाएगा कि ये और स्ट्रांग बना और कर कर। शेर आएगा तो बोलेगा कि जा आगे, नहीं तो तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे लिए जाऊँगा, ऐसा कुछ तो ये सिखाएगा मुझे। बकवास करी जा रहा है साला ये। केप टाउन में शूट होने वाला है, इससे पहले कभी आप लोगों ने विजिट किया है? मुझे लगा यहाँ पे दिल्ली में, मुझे भी पहले पता था भाई। नहीं इसका इसका खतरों के खिलाड़ी दिल्ली में ही हो रहा है, ये उधर अलग शूट करेगा, उधर से लाइव वीडियो लगाएगा और उधर फिर रोहित सर इसको बोल देंगे कि अच्छा किया या बुरा किया। हंसना था इतना घटिया जोक मारा तूने। अभी हुआ तो था मिलाप राजीव से, उसको टॉयलेट में बंद, उसको टॉयलेट में बंद कर दिया हमने 6 महीने के लिए, कितने 2 महीने के लिए वो टॉयलेट में रहेगा। राजीव को आप लोगों को बिग बॉस में तो काफी फन करते हुए देखा है, पर इस बार वहाँ पे खतरा में जाके क्या वो ही स्टार्ट होगा या फिर कुछ अलग? देखो वहाँ पे तो उसने तीखी पूरियां खिला के तीखी पूरी खिला के उसने वहाँ पे कर लिया, यहाँ पे तो खाना भी नहीं बनाना, तो यहाँ पे क्या करेगा वो देखते हैं अभी, वहाँ पे यहाँ पे क्या करेगा। बट आई एम श्योर इज फन, वो बहुत अच्छा दोस्त है और वो भी करेगा अपना 100%, हम भी अपना 100%। हमने तो मस्ती यहीं से शुरू की और एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है उसके साथ देखना। ओके सो लास्टली हो गया, फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो आपको देखना चाहते थे? अभी भी कुछ कहना बाकी है क्या? सब कुछ तो दिखा दिया हमने, अब क्या कहें बताओ, अब आप ही कुछ कह दीजिए हमारे लिए, कुछ दो शब्द प्यार भरे और हम खुश हो जाएंगे। बस ऐसे ही कीप लविंग अस, दैट्स इट एंड लव यू गाइस।